अमित सर, आप सीए इंटर में से 600 मार्क का सीए इंटर है, उसमें से 250 मार्क्स तो एक्सपर्ट में आप ही पढ़ा रहे हो। ऑडिट 100 मार्क, लॉ 100 मार्क, एसएम 50 मार्क, इंस्टीट्यूट ने चलो यस तो निकाल के थोड़ा बहुत आप पे बर्डन कम कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ऑनेस्ट आंसर देना सर, एकदम ऑनेस्ट आंसर देना सर, पक्का पक्का पक्का। तो मुझे ये बताओ सर, मैं एज अ स्टूडेंट भी अगर सोचता हूँ तो अगर 250 मार्क पढ़ाने वाला एक ही बंदा है तो मैं उसको देख देख के सर मुझे मोनोटोनस नहीं होगा क्या सर, ये कि एक ही बंदा मुझे 250 मार्क पढ़ा रहा है 600 में से, ये मोनोटोनस फीलिंग नहीं आएगा क्या सर? देखो सर, मतलब अभी ये कंटेक्स्ट ऐसा है कि ये कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट के इसमें, बट इसके लिए मैं एक आपको ऐसा बता सकता हूँ सर कि अगर अपन शाहरुख खान की मूवी लेते हैं, शाहरुख खान ओके कौन नहीं जानता, उनकी मूवी लेते हैं और अगर अपन ऐसा देखते हैं कि दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ओके अगर अपन ये कभी खुशी कभी गम, अगर ये अपन एक के बाद लगातार देखे तो कहीं ना कहीं अपन बोर हो जाएंगे, बिकॉज शाहरुख खान की जो स्टाइल है उस मूवीज में एक सिमिलर फॉर्मेट में जाती है, तो अगर अपन कंटिन्यूस वैसे ही मूवी देखेंगे तो अपन बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन शाहरुख खान की अगर पिक्चर देखे भाई यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वदेश, स्वदेश के बाद अपन देखते हैं भाई यार दूसरा वाला सिनेरियो जो है डॉन, डॉन के अपन बाद में देखते हैं डर, डर के बाद देखते हैं ओके जहां पर चक दे इंडिया, अगर अपन सेपरेट मूवी देखे, इट इज डन बाय सेम पर्सन बट यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट ऑरा, सेम कहानी अपने साथ चलने वाली है मालिक। जब अपन लॉ को पढ़ेंगे ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ओके, जो लॉ का होगा जो 100 मार्क का होगा वहां पर अपन प्योरली प्रोफेशनल, मतलब आप उस टाइम पे मालूम है अमित तातर को जो देखोगे वो कॉर्पोरेट अमित तातर होगा, वो ऐसा अमित तातर नहीं होगा कि भाई यार नहीं भाई क्या है, सीधा लॉ का डिस्कशन होगा, सेक्शंस होंगे, सबसेक्शंस होंगे एंड उनके इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या होंगे, इनके इंपैक्ट क्या होंगे, ये डिस्कशन होगा एंड प्योरली प्रोफेशनल मालिक। मालिक यानी द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर विल बी ओनली डिस्कसिंग द कंटेंट ऑफ लॉ, दैट्स इट ओके। देखिए 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, 2.5 घंटे सस्टेन कैसे करना है वो मेरा काम है मालिक, एंड ये तो गारंटी भाई अपन सस्टेन आराम से कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली पूरा कंटेंट कंप्लीट होगा लॉ का। लेकिन जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाओगे जैसे है ऑडिट, अब ये ऑडिट वाला सिलेबस है इसमें 6 सेक्शंस और सबसेक्शंस नहीं होते लेकिन स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां पर जजमेंट लगाया जाता है। अब यहां पर जब जजमेंट लगाया जाएगा तो यहां पर आप दूसरा अमित तातर देखोगे, यानी एक ही पर्सन लेकिन दूसरे रोल में, और ये रोल जो होगा ये मोर ऑफ इंटरेक्टिव होगा, यहाँ पर स्टूडेंट स्टेज पे आके स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन कैसे होता है ये भी डिस्कस किया जाएगा। यानी यहाँ पर आने के बाद अपने को ये मान पड़ेगा अरे अमित आते तो स्टेज पे स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और इंटरेक्शन करवा रहा है ओके, द सेकंड फॉर्मेट ओके। यानी पहला वाला प्योरली प्रोफेशनल, सेकेंड वाला मोर ऑफ इंटरेक्शन एंड जहां पर स्टूडेंट्स विल बी गिविंग देयर जजमेंट एंड अमित उसको जजमेंट को पॉलिश करेगा ओके, ये फील आएगा। एंड तीसरा पॉइंट, क्या अमित तातर स्टेज पे डांस कर सकता है? आंसर इज यस, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में समझ में आ जाएगा। डांस करना एक जोक हो गया सर, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपन बात करें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एनालिसिस जो करना होता है जहां पर अपन भाई साहब ये कंसिडर करो वो कंसिडर करो ओके, यू रिक्वायर मल्टीपल एलिमेंट्स ओके, तो वो एनालिसिस का एलिमेंट ओके आपको वहां पर मिल जाएगा मालिक। तो यानी एक पर्सन लेकिन यू विल बी हैविंग 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज मालिक ओके, यानी एक ही पर्सन 3 डिफरेंट रोल में रहेंगे, यानी 3 फ्लेवर ऑफ अमित तातर आपको मिलेगा। देखिए एक एक मेंटल स्टेटस आप ये निकाल रहे हो कि अमित तातर से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे वो सब्जेक्ट क्या है अमित तातर का ओके, जो फेस है ना वो सब्जेक्ट की वजह से आता है। तो लॉ की डिमांड क्या है भाई, सेक्शंस और सबसेक्शंस पे बात करो कॉर्पोरेटली, मतलब हमको सिर्फ पढ़ाओ सर, बाकी हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई यार सेक्शन सबसेक्शन क्लियर है, लॉ का रिक्वायरमेंट ये है, ऑडिट का रिक्वायरमेंट क्या है भाई, जजमेंट लगाओ, तो भाई यार आपका इंटरेक्शन मेरा इंटरेक्शन, और भाई यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तो बात ही क्या करें, जैसे मैंने आपको बताया एनालिसिस का कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको 3 डिफरेंट फॉर्मेट मिलेंगे मालिक, एंड आई होप मतलब ये पॉइंट आपको, जैसा आपका पॉइंट था तो मोनोटोनस का वो नहीं रहेगा मालिक। अच्छा, इसका मतलब सर जैसे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो वैसे आप आपका ऑरा चेंज कर लेंगे, आपका ये सब चेंज कर लेंगे, आप बहुत भारी बहुत अच्छे एक्टर तो हो ही, हम जानते हैं एज अ बहुत अच्छे टीचर के साथ साथ में आप बहुत अच्छा। एंड मैं एक पॉइंट तो जरूर ऐड करूंगा कि सुबह 8 बजे बच्चा आए बहुत इंटरेस्ट लेके आए एंड उसको 8 बजे क्लास में आने का एक्साइटमेंट हो, ये तो बस अमित सर ही कर सकते हैं। सो 8 बजे 16 तारीख को अमित सर की बैच में मिलते थे। चलो तोड़ मालिक, थैंक यू सर।